बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल तहारी। इसको पीले चावल भी बोले जाते हैं और ये बहुत ही इजीली बन भी जाती है। तो यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है, इसको हम कुकर में बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच हमने रिफाइंड डाल दिया है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ जब ये तेल गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे ज़ीरा। 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा डाल दिया है और जब ये अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज के स्लाइस जो हमने बारीक बारीक काट लिए हैं वो इसमें डाल दें और इसको अच्छे से पकने दें। अभी इसमें हम कोई और चीज़ नहीं डालेंगे और ना ही कोई और गरम मसाला डालेंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन हो जाए, तब इसमें हम डालेंगे ये बारीक कटा हुआ 1 बड़ा टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च, इसके बड़े बड़े टुकड़े हमने कर दिए हैं और इनको अच्छे से डालकर पहले पका लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है वो फुल है और इसको जब पक जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे इसमें और लहसुन अदरक को इतना भून लें कि इसकी स्मेल चली जाए और अच्छे से इसको पकने दें। यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम कर दी है और इसमें अब हम डालेंगे नमक जिससे टमाटर गल जाएँ। तो यहाँ पर हमने अभी 1 टेबल स्पून नमक डाला है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में डालेंगे। तो इससे टमाटर अच्छे से गल जाते हैं और इसमें अब हम डालेंगे और मसाला। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। तो इसमें अभी हमने थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कि ये लहसुन अदरक की स्मेल भी अच्छे से चली जाए, ये पक जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर हमने 1/2 टेबल स्पून डाली है हल्दी पाउडर, इससे थोड़ा ज़्यादा डाला है, और 1/2 टेबल स्पून ही हमने लाल मिर्च डाली है और इनको अच्छे से पका लेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाए, ये देखिएगा इसने तेल अलग हो गया है और मसाला अलग हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे ये भुना हुआ गोश्त जो हमने पहले से ही भून कर रख लिया था, इसी वजह से हमने हल्दी भी कम डाली है और अभी नमक भी कम डाला है। यहाँ पर जो हमने चावल लिए हैं वो 1 गिलास हैं, लगभग 250 से 300 ग्राम होंगे। तो फिर ये गोश्त डालकर और इसको भून लें। ये बकराईद स्पेशल तहारी है। तो फिर इसमें हम डालेंगे ये बारीक कटे हुए मीडियम साइज़ के 3 आलू थे। अगर आप और कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम डाल सकते हैं, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से आलू काट कर इसमें डाल दिए हैं और ये मसाले के साथ ही भून लें। ये देखिएगा बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है। अगर आप इसमें मटर या और कोई सब्ज़ी भी डालना पसंद करते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जब ये अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास लिया है चावल, तो यहाँ हम 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि इसमें आलू भी हैं, वो भी गलेंगे। और जब पानी इस तरह से खोल जाए अच्छे से तब इसमें हम ये भीगे हुए चावल डाल देंगे जिनको हमने 15 से 20 मिनट भिगो कर रख दिया था। अगर आप सेलर राइस बना रहे हैं तो उसको 1 घंटा भिगो कर रखें और उसमें ज़्यादा पानी जाएगा। और इसको अच्छे से पकने दें, पानी का लेवल बिल्कुल सही बैठेगा इसमें। हमें यहाँ पर नमक कम लग रहा था तो हमने 1/2 टेबल स्पून नमक और डाला है। और अभी कुकर बंद नहीं करेंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। देखिएगा ये अच्छे से खोलने लगा है
और मसाला चावल आलू सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लीड लगाकर 2 विसल दे देंगे। ये देखिएगा 2 विसल के बाद कितनी अच्छी तहारी बनकर तैयार हुई है। ये गोश्त की तहारी आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही नॉर्मल तरीके से हमने बनाई है। अगर आपको हमारी बनी हुई तहारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये तहारी कैसी लगी। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी बनी है ये। आप इसको प्याज के साथ, दही के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ, खाइएगा तो आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मगर ये इतनी चटपटी बनी है, इसमें अचार की ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप ऐसे ही बनाकर खाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।